एड पे कमीशन ओपीएस के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन पर आंदोलन का ऐलान। आक्रोश में 2 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य सरकारी संगठनों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान होगा। नेशनल काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों से करीब 600 लेडी गार्ड्स भाग लेंगे। केंद्र एवं राज्यों में प्राणी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। अब आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर देश में करीब 2 करोड़ कर्मचारी एवं पेंशनर्स आक्रोश में हैं। वजह, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और राज्य कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ की 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिलिंग बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। बतौर सुभाष लांबा, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का यह बयान इशारा करता है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिलिंग बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान होगा। नेशनल काउंसिलिंग की बैठक में सभी राज्यों से करीब 600 डेलीगेट्स भाग लेंगे। महासचिव ए श्री कुमार ने बताया, कर्मचारियों ने आंदोलन के दम पर हर 10 साल बाद वेतन मान व पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन का प्रावधान कराया था। अब तक 7 केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ है। केंद्र सरकार ने इनकी सिफारिशों को केंद्र कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों पर लागू किया है। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों पर उक्त सिफारिशों को लागू करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित करने से इनकार करने के बाद राज्य कर्मियों का रास्ता अपने आप बंद हो गया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 48.67 केंद्र कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगी हैं। इससे ज्यादा राज्य सरकारों और पीएसयू के कर्मचारी एवं पेंशनर्स हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया, वित्त सचिव के बयान के अनुसार केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ संशोधन करने जा रही है। सरकार ने पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का कहना है कि हमने सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है, हमारी रिपोर्ट जल्द ही दाखिल हो जाएगी। लामा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कर्मचारियों को एनपीएस में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। कर्मचारियों को पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने का बकाया डीए डीआर का भुगतान, ठेका संविदा कर्मियों की रेगुलराइजेशन, निजीकरण पर रोक, खाली पदों को पक्की भर्ती से भरने, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारियों की सुरक्षा एनईपी को रद्द करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाए गए शर्तों को हटाने, पेंशनर्स की 65, 70, 75 व 80 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5% बढ़ोतरी करने आदि मांगों का समाधान जब तक नहीं होगा, कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा ये जो मांगे की जा रही हैं वो सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।